तो चलिए गाइस, आज हम 6.6 थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो 6.6 थ्योरम में कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का मतलब है कि समरूप का मतलब एक जैसा, क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज मतलब एक जैसा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात, उस त्रिभुज का अनुपात उनकी संगत भुजा, संगत का भुजा मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा होगा। तो यहाँ अनुपात बोला है, इसका मतलब ये भुजा अनुपात ये भुजा मतलब PQ भुजा। तो इसका संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, वर्ग का मतलब हम लोग पढ़े, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसका स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। ऐसे ये थ्योरम जो है ये परिमेय कहता है, को कहता क्या है वो हम लोग समझ गए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि ये दो त्रिभुज है, एक समरूप है, मतलब जो यहाँ बोला गया उसी पे लिखा गया। देखिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है और पी क्यू आर समरूप, मतलब ये भी त्रिभुज है, ये दोनों का क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब बताएं एक जैसा। तो यहाँ पे 6.6 क्या सिद्ध करने बोलता है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी भुजा बटा पी क्यू का वर्ग, ठीक है, बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर का क्षेत्रफल मतलब इसका स्क्वायर, इसका वर्ग के बराबर होगा सी ए बटा पी आर, यहाँ से सी ए बटा पी आर इसके बराबर होगा, ठीक है, उसका वर्ग का बराबर होगा। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रचना देखेंगे कि ए एम जो है बी सी पर क्या है, एक लंब डाल दिए, ठीक है, और क्यू पर मतलब पी एन जो है क्यू पर क्या है, लंब है। तो ये देखते हैं, तो ये रचना की है, तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, ये रचना है बी सी पर ए एम तथा क्यू पर पी एन लंब डालें, क्या लंब डाल दें। उसके बाद हम लोगों को प्रमाण देखेंगे, प्रमाण करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हम लोग त्रिभुज का सिंपल जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो गैज यहाँ बी सी क्या हो जाएगा, आधार, और ए एम क्या होगा, यहाँ पे लंब होगा मतलब उसका ऊंचाई। इसी तरीके से पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का जो आधार क्या होगा, क्यू आर होगा, लंब क्या होगा, पी एन होगा। इतना तक समझ में आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ किए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या था, बी सी, आधार इसका क्या था, बी सी, और ए एम जो है गाइस ये लंब है मतलब इसको ऊंचाई। फिर त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्र, दूसरा त्रिभुज सेम, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि उसी तरीके से दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें भी करेंगे 1/2 पी आर आधार है और पी एन क्या है, लंब है, तो कर दिए। उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा गाइज, मतलब फर्स्ट त्रिभुज क्षेत्रफल उसका अनुपात हो जाएगा सेकंड त्रिभुज, मतलब बटा 1/2 बी सी, फिर ए एम, उसके बटा हो जाएगा 1/2, फिर पी क्यू आर, फिर पी एन। उसके बाद 1/2 मतलब 1/2 कट जाएगा, बचेगा बी सी इंटू ए एम और क्यू आर इंटू पी एन। अब नेक्स्ट देखेंगे छोटा त्रिभुज, यहाँ से देखेंगे ए बी एम और दूसरा यहाँ देखेंगे पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज में क्या समरूप है, क्या एक जैसा है। तो देखेंगे अब छोटा त्रिभुज ए बी एम तथा पी क्यू एन में, ए बी एम और पी क्यू एन में, इस त्रिभुज में देखते हैं कि गाइस यहाँ पे देखते हैं कि अगर जो समरूप है तो ये कोण और ये कोण क्या है, एक जैसा है, मतलब एक जैसा। अगर कोण बी बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू है, मतलब समरूप होने के कारण ये कोण क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर ए कोण एम बराबर कोण एन, यहाँ देखेंगे गाइस यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कोण
एम जो है और एम ए क्या है, बराबर है, मतलब 90 डिग्री समरूप होने के कारण, समरूप है इसलिए 90 डिग्री होने के कारण क्या है, ये मतलब समरूप है, एक जैसा है, बराबर है। अतः आप देखेंगे क्या आता है कि त्रिभुज ए बी एम बराबर पी क्यू एन क्या है, ए ए एंगल से समरूप है। कोई भी देखते हैं, कोई भी त्रिभुज अगर दो त्रिभुज है उसको एंगल एंगल से समरूप होगा, तो भुजा भुजा से समरूप, इस तरीके से देखें कि उसके बाद समरूप हुआ तो ए एम देखेंगे, ए एम बटा पी एन बराबर ए बी बटा पी एन, इसके तक यहाँ पे देखें कि इसके बराबर जो है ए एम, यहाँ से देखेंगे एम एम बटा पी एन, मतलब इसका बटा उसका है, फिर ए बी बटा पी क्यू, यहाँ से देखेंगे ए बी, यहाँ से ए बी और पी क्यू, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है।